उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे राजस्थान के यात्रियों से भरी बस मेदनपुर स्लाइडिंग जोन के पास सुरक्षा दीवार से टकरा गई। घटना के बाद बस चालक बेहोश हो गया, जबकि बस में सवार कई लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और निजी गाड़ी से बस चालक समेत अन्य घायल यात्रियों को अस्पताल भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें होटलों में ठहराया गया है। आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे के करीब रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के मेदनपुर स्लाइडिंग जोन के पास एक बस दीवार से टकरा गई। घटना के बाद चालक जहां बेहोश हो गया, वहीं कुछ यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी और चौकी प्रभारी तेलवाड़ा सत्येंद्र नेगी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गाड़ी चालक अपनी ड्राइविंग सीट पर बेहोश की हालत में है और बस में सवार यात्री डरे सहमे बैठे हुए हैं, कुछ बाहर खड़े थे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेलवाड़ा भिजवाया। बस यात्रियों ने बताया कि वो लोग राजस्थान से केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आए हुए हैं और केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। बस में चालक समेत कुल 28 लोग सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।